जगह जगह फिर मुर्गा। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते, वो खुदा को ढूंढते फिरते हैं, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जांचते कि हमारा खुदा कहाँ रहता है। हमारा खुदा हमारे दिलों में रहता है, जो हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। ये गीत के जरिए मेरा ईमान है कि बहुत लोगों ने कुछ समझा होगा और सीखा होगा। ये भाई जो गीत गाते हैं ना, मेरा तो ईमान है कि इस अल्फाज को अगर गौर से सुने तो ज्यादा बरकत मिलती है। कई ऐसे गीत है जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन ये गीतों की समझ बहुत अच्छी तरह से आती है। क्या बीमार है, कितनी कितनी ज्यादा भी खुराक खा लेकिन जब शिफा नहीं तो खुराक से आ जानी। हालेलुया, जोरदार तालियां जाएंगे खुदा के जलाल के लिए। इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुराक के नाम की जलाल देंगे। आज कोई मायूस तो नहीं इस बात से कि लोग बहुत कम है। याद रखिए, जिसको खुदा की भूख और प्यास होती है ना, वो सारे काम काज छोड़ कर इबादत पे पहुंचता है। हालेलुया। ईमान रखता हूं कि हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम बाबरकत लोग हैं जो हम खुदावंद यीशु मसीह की भूख और प्यास रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। और उम्मीद करता हूँ कि सबके चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए अब नजर आएंगे, ना कि हम उदास होकर बैठेंगे। हम थोड़े जरूर हैं, मगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी अपनी बातें जरूर सुनाएंगे। हालेलुया। असी करनी नहीं पूजा यीशु ना दे सिवा, 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 असी करनी नहीं पूजा यीशु ना दे सिवा। अरशा थल्ले अरशा उते, अरशा थल्ले अरशा उते, कोई नहीं पूजा यीशु ना दे सिवा, असी करनी नहीं पूजा यीशु ना दे सिवा, ओनू अरशां तो अंधेरे नूं वेखांगे,